साउथ की फिल्म ट्रिपल आर ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया जिसके आगे सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 25 मार्च को रिलीज हुई फिल्म ने 10वें दिन तक वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। फिल्म की सक्सेस से फिल्म के एक्टर रामचरण काफी खुश है और उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है। दरअसल रामचरण ने अपने फिल्म के टीम मेंबर्स को सोनी का सिक्का गिफ्ट किया है। एक्टर के तरफ से ऐसा गिफ्ट पाकर सभी टीम मेंबर्स खुश हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रामचरण ने फिल्म की सक्सेस से खुश होकर 35 टीम मेंबर्स को खाने पर बुलाया और उन्हें गिफ्ट के तौर पर 11.6 ग्राम सोने का सिक्का गिफ्ट दिया है। रामचरण ने जिन टीम मेंबर्स को सोने का सिक्का दिया उनमें से कैमरा असिस्टेंट, प्रोड्यूसर, मैनेजर, अकाउंटेंट, फोटोग्राफर सहित दूसरे डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं। रामचरण ने जो सोने का सिक्का गिफ्ट किया है उस पर एक तरफ ट्रिपल आर का साइन बना हुआ है और दूसरी तरफ रामचरण का नाम लिखा है। एक्टर ने इन सोने के सिक्कों पर कुल 18 लाख रुपए खर्च किए हैं। बता दें डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्म ट्रिपल आर में रामचरण के अलावा जूनियर NTR और आलिया भट्ट भी है। अजय देवगन भी M भूमिका में है। 10वें दिन की कमाई के साथ ही ट्रिपल आर ने हिंदी से कुल 183.21 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है जबकि वर्ल्ड वाइड 901.46 करोड़ रुपए हो गए हैं। यह फिल्म इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के टॉप 5 लिस्ट में शामिल हो गई है। कोरोना काल में फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ था। कई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी लेकिन सूर्यवंशी, पुष्पा, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वही ट्रिपल आर ने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।